गॉड व्हाट। तो आप लोगों को आज का ये स्टार्टिंग वाला ग्रेनेड कैसा लगा कमेंट में बताना जरूर। अब मैं आप लोग को बता दूं कि आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं इतना खतरनाक और ओपी गेम प्ले जिसे देखने के बाद लिटरली आप लोग अपनी आंखें मलने लगोगे। आज स्टार्टिंग होती है मिलिट्री बेस से और मिलिट्री बेस में जो फाइट होगी और आज के मैच की जो ही एंडिंग होगी, आपने जो थंबनेल में देखा है ना, बिल्कुल वही सीन होने वाला है रियल में, कोई भी एडिटेड वो थंबनेल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग उतरते हैं भाई सबसे पहले मिलिट्री बेस में और बस आप लोग यहाँ पे देखो स्टार्टिंग कैसी होती है आज के गेम प्ले की, वही देख के आपको मजा आ जाएगा। यहाँ मैंने सामने वाले बंदे को मारा लेकिन भाई साहब मैं भी यहाँ पे नॉक हो गया। यहाँ मिस्टर ओकियो ने बोला एग्जिट कर दो, कोई मतलब नहीं, नहीं बचेंगे। मैंने बोला तुम आओ तो रुको, मैं इसको कैसे भरता हूँ, तुम देखते जाओ बस। तो यहाँ पे मिस्टर ओकियो ने मुझे हील करना चालू किया, बंदा आ रहा है हम पे। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ गाइस कि क्या मैं यहाँ पे बचूंगा या फिर मरने वाला हूँ, नया गेम प्ले चालू होगा। भाई साहब तो इसको बोलते हैं भाई किस्मत इनटू 6900। तो यहाँ पे जो मैं बचा हूँ वो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और एक लाइक कर देना। फिलहाल के लिए अभी खत्म नहीं हुआ है, ये देखो भाई गधे के पिछवाड़े से किस्मत लिखी है भाई। अभी पिछले 10 दिन से इतना गंदा मेरा पिंग आ रहा है, मतलब पिंग नॉर्मल दिखाता है लेकिन एक्चुअली में वो पिंग होता नहीं। अब यहाँ पे सामने बंदे ने रश कर दिया, वहां टावर से मुझे बंदे ने नॉक कर दिया। सामने से बंदे के फुट्स आ रहे थे एकदम तगड़े लेकिन वो बंदा हम पे रश नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे हम दो थे और वो यहाँ पे अकेला था। बस मुझे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे हील होना था। अब देखो मैं इस बंदे को कैसे भरूंगा, लेकिन अभी भी आप लोग को आगे बहुत मजा आने वाला है, बस वेट करो आप लोग। भाई क्या पंजीरी किस्मत है, बंदा एकदम से टीपीपी लेके खड़ा हुआ है फुल कैंपिंग करते हुए और टावर से बंदे भाई कार 98 और डीपी से भरे पड़े हैं घर के अंदर। क्या लॉबी है ये ब्रो। अब टाइम था बदला लेने का। तो ये जो बंदे टावर से डीपी और कार 98 से टप टप दे रहे थे, अब देखो इनकी मौत इतनी गंदी होगी ना कि भाई मजा आ जाएगा, आप लोग को बस हंसी नहीं छूटेगी। देखना ये स्क्वाड वाइप मैं नहीं करने वाला हूं लेकिन स्क्वाड वाइप होगी। मैंने इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया और इनका टीममेट एक मैंने उसको भी डैमेज दिया था तो वो मरने वाला था, तो पक्का बोल रहा होगा जल्दी आ भाई जल्दी आ, बचा लेगा और ये बेचारा जिगजैग करते हुए ओपन में निकल पड़ा और मैंने इसको दिया भर। अब यहाँ पे मेरी आप देख सकते हो 5 की बुलेट पूरी खत्म हो चुकी है, सिर्फ शॉट गन थी, तभी पीछे से एक बंदे के फुट्स आए। अब यहाँ पे इस बंदे को मैंने भर दिया, अब मुझे लगा ये वीएसएस क्यों नहीं चला रहा, जब भाई इसकी पेटी चेक की तो पता चला उसके पास एमओ ही नहीं था। अब इस टीम का सामने वाली टीम का लास्ट बंदा था जिसने भाई यहाँ पे स्मोक किया एंड बूम, यहाँ पे भाई उस बंदे ने मतलब पैनिक होके जल्दी जल्दी में एक स्मोक और एक ग्रेनेड फेंक दिया। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं यहाँ पे मार रहा हूँ भाई, बंदे मर ही नहीं रहे। फिर बाद में जब मैंने किल फीड देखा तब भाई पता चला कि भैया ने तो अपनी पूरी टीम ही उड़ा दी अपने साथ क्योंकि इस बंदे को मैंने शॉट गन से भी दूर से मारा था। तो यहाँ फाइनली मिलिट्री बेस का हो चुका कंप्लीट। भाई कितने बार नॉक हुआ और भाई कैसे कैसे फाइट लेके निकला उसके लिए एक लाइक तो बनता है। अब ड्राइविंग स्किल्स देखो मिस्टर ओकियो की, गाड़ी गायब, कहाँ गई गाड़ी अब देखो गाड़ी नीचे आई, मैं वापस देख गाड़ी ऊपर आगे, गाड़ी नीचे गाड़ी ऊपर क्या स्किल्स है ड्राइविंग की, लेकिन रुको जरा सबर करो। अब उस गाड़ी को छोड़ के हम मैक्लेरन लेके आए और अभी भी स्किल्स हैं मिस्टर ओकियो के पास काफी, ये देखो भाई 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 साहब मतलब भाई को वहां पेड़ पे अटका दिया और उसके बाद मैक्लेरन को समुंदर के अंदर डालने वाली थी भाई। उसके बाद हमने बहुत जगह बंदे ढूंढे हमें नहीं मिले, तो फाइनली हम यहाँ से गुजर रहे थे तभी यहाँ पे सामने बग्घी स्पॉट हुई।
यहाँ पे हमने इन दोनों बंदों को भर दिया, लेकिन अभी यहाँ की जो फाइट होने वाली है ना, लिटरली आप लोग को देख के बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ भी अभी एक स्क्वाड पूरी की पूरी है और एक दूसरी स्क्वाड से फाइट ले रही थी, लेकिन ये चीज हमको नहीं पता थी और अब पता चल गया। भाई ये भाई क्या ही मिनी चला रहा था बंदा। मैंने टनल चेक करने के लिए एक सेकंड के लिए मुड़ा और तभी भाई वो बंदे ने मिनीस मुझे भर दिया। अब यहाँ पे फ्लेयर मंगाई थी हम लोगों ने, तो फ्लेयर लूटते और फाइनली मिल जाती है हमको ग्रोजा। अब भाई क्या ही था, मजे ही मजे थे। लेकिन अभी रुको जरा, ये बंदे बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। अब यहाँ पे इस टीम के तीन बंदे हो चुके थे नॉक, मतलब दो तो फिनिश, एक तीसरा नॉक, और बचा हुआ था लास्ट बंदा जो कि आई थिंक सो रिज के उस साइड था, दूसरी स्क्वाड से ले रहा था फाइट। अब ये जो दूसरी वाली स्क्वाड है इसके बारे में याद रखना, क्योंकि इस स्क्वाड के साथ बहुत खतरनाक फाइट होगी। आगे दुश्मन है। एंड फाइनली ये लास्ट बंदा था इस स्क्वाड का, और इसी के साथ ये स्क्वाड भी हो जाती है खत्म। और हमें लगा कि भाई इसने सामने वाली टीम को फिनिश कर दिया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। हम यहाँ से जब बग्गी लेके निकल रहे थे भाई, पीछे से बंदों ने हम पे तगड़ा फायर किया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड बाकी थे जोन जाने के लिए, तो हमने बोला भाई कि जोन में मिलते हैं, और उसके बाद जोन में हम पूरी गाड़ी घुमा के यहाँ पे आए, क्योंकि हमको पता था कि वो इसी साइड से आएंगे जोन के। और उसके बाद यहाँ पे भाई साहब मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुई और वो बंदे फाइनली आ गए। अब ये बंदे बहुत अच्छा खेल रहे थे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोग को आगे चल के पता चलेगा। और इन बंदों ने भाई सही टाइम पे हमको देख लिया और गाड़ी अपनी एकदम से ना राउंड शेप में रोटेट कर दिया, सर्कल टाइप में, जिससे कि भाई इनको गोलियां बहुत ही कम अटैच हुई इनकी गाड़ियों में, लेकिन गाड़ी तो डैमेज हो ही गई थी। अब जैसे हम यहाँ पे आए, पीछे मुझे एक बंदे की फुट साइड, मैं यहाँ पे पूरी गाड़ी घुमा के लाता हूँ दूर, और भाई इस बंदे ने क्या ही फायर दिया। सबसे पहले मैंने अपनी बग्गी सेव की। अब भाई देखो तुम M416 ग्लेशियर और 6X का स्प्रे। तो ये वाला स्प्रे कैसा लगा कमेंट में बताना जरूर। और भाई तभी सामने वाले बंदे ने भी उससे तगड़ा स्प्रे दिया। मैं यहाँ पे एक पत्थर के कवर के कारण हाफ HP में बच गया, लेकिन मैंने भी इस बंदे को हाफ HP कर दिया। अब देखो यहाँ पे भाई जलवा, जोन आ रहा था, ये बंदों से हमारी फाइट चल रही थी। हमको ये नहीं पता था कि भाई यहाँ पे कितने बंदे हैं, ये तो पता चल गया था कि 3 से ज्यादा हैं या फिर 3। अब इस बंदे को मैंने नॉक किया, तभी पीछे से स्मोक हुआ। और एक बंदा पहुंच गया इस बंदे को हील करने, मैंने इस बंदे को हेड दिया। और यहां से मैं गाड़ी घुमा के सबसे पहले तो मैं बग्घी पकड़ूंगा, और उसके बाद यहां पे भाई मेरी ड्राइविंग स्किल्स आप लोग देखना, मी वर्सेस मिस टोक्यो ड्राइविंग स्किल्स लेवल आप लोग कंपेयर करना कमेंट्स में भाई, किसके कितने हैं पॉइंट्स देना, साइबर कितने पॉइंट एंड मिस टोक्यो कितने पॉइंट्स। ये देखो पहले बूम बग्घी चढ़ा दी तुम्हारे भाई ने स्मोक के अंदर। तो यहाँ पे ये दोनों बंदों को मैं फिनिश कर देता हूँ। अब एक बंदा वहाँ पे गाड़ी के पास था जो कि मिस टोक्यो को मार रहा था, तो भाई यहाँ पे देखा हम लोगों ने पहले स्पॉट करने का ट्राई किया, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जरूरी थी बुलेट्स, मैं यहाँ पे बुलेट्स ले लेता हूँ। अब ये वाली ड्राइविंग आपको कैसी लगी भाई स्मोक के आर पार वाली, कमेंट करके बताना। और अभी ये अगर देख के अच्छी लगी होगी तो जरा ये देखो, मैं यहाँ से बग्गी घुमा के लाता हूँ, गाड़ी के आसपास ही बंदा कहीं प्रोन था ये तो कन्फर्म था। मैं यहाँ पे बग्गी घुमा के लाता गया और तभी मुझे वहां पे स्मोक के पीछे बंदा हो गया स्पॉट।
एंड इसी के साथ एक और कमाल का प्यारा सा चुम्मेश्वर स्क्वाड वाइप। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब मार दो जल्दी जल्दी। एंड उसके बाद हम लोग वहां से निकलते हैं, यहाँ पे हमको मैक्लेरन मिलती है। अब आप लोग यहाँ का सीन देखो, बस मैं मैक्लेरन लेके निकला, मैप आप लोग देखते रहना। ये देखो ये गट्ठा याद रखना, ये भूसे का गट्ठा याद रखना, मैप में फुट्स बिल्कुल नहीं आए। हम लोग यहाँ पे आए, वहाँ पे सामने भी बंदा नहीं दिखा, ठीक है। गाड़ी घुमाई बिल्कुल मैप में जीरो फुट्स, जीरो। अब तभी देखो एक बंदा स्पॉट हुआ, एक बंदे ने पीछे से मारा, एक बंदे ने आगे से मारा, एक बंदा ऊपर है, अभी इनका चौथा बंदा पता नहीं कहाँ है। तो मैंने इस सामने वाले बंदे को एक हेड मारा, ऊपर बंदा था, मेरी हेल्थ एकदम डाउन थी। अब इन बंदों की स्ट्रेटेजी देखो भाई, कितने बड़े वाले कैंपर हैं। चार बंदे थे और चारों बंदे अलग अलग पोजीशन पे छुपे हुए थे। गाड़ी मैंने घुमाई लेकिन भाई एक बंदे ने फुट्स नहीं दिया। बस तुम लोग यहाँ पे देखते जाओ आखिरकार हमारे साथ होने क्या वाला है। मैंने यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने का ट्राई किया लेकिन वो बंदा बहुत ही ज्यादा दूर था, मैंने ग्रेनेड कैंसिल किया, लेकिन मेरी फूटी किस्मत देखो भाई कैसे, मेरा ग्रेनेड उस बंदे तक नहीं गया लेकिन उस बंदे का ग्रेनेड मेरे पे आ गया। एंड उसके बाद यहाँ पे भाई ये गेम प्ले हो जाता है खत्म। अब इसकी भाई देखना, क्राउन 2 में है ये बंदा, 2.5 की KD के साथ। भाई कैंपर बोलते ब्रो, कैम कर करके तुम क्राउन एस कॉन्करर पहुंच जाओगे लेकिन कभी स्किल्स नहीं ले पाओगे। अब चार बंदे थे पूरे के पूरे। अब फिलहाल के लिए इस वाले गेम प्ले की बात करते हैं। तो ये वाले गेम प्ले में भाई तुम लोग को जो ही बंदे देखने के लिए मिलेंगे, जिनको मैं गाड़ी से उतारूंगा ना, माइंड ब्लो होने वाला है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो टीम उतरी मुझे मिली तुरंत AKM। अब इससे पहले बंदे को सोच पाते मैंने कर दिया बंदों पे रस। सबसे पहले इस बंदे को भरा मैंने। अब दूसरे वाले बंदे के फुट्स आ रहे थे इस घर से। भाई साहब एकदम से गलत, जैसे मैंने स्मोक का ग्रेनेड खोला यह बंदा तुरंत ही कूद गया। अब यहाँ पे पीछे साइड भी एक बंदा उतरा हुआ था जिसको मैंने पैरासूट से देखा था, तो मैंने मार किया कि उधर बंदा था और तभी मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, लेकिन ये बॉट था। अब ये दूसरे वाले गेम प्ले की एंडिंग देख के ना आप लोग पागल होने वाले हो, क्योंकि आपने जो थंबनेल में देखा है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो आर यू एक्साइटेड कमेंट करके बताना जरूर। अब यहाँ पे दूर एक बंदा ऑफलाइन था तो सबसे पहले मैंने इसे भर दिया, और यहीं पे एक बॉट भैया टप टैप टैप टपा टप दिए पड़े थे, तो सबसे पहले इनको भरते। अब इस बॉट को मैंने जैसे भर दिया भाई पीछे ग्रेनेड हुआ, मैंने अपने टीममेट से बोला ग्रेनेड किया क्या, तो इसने बोला कि ग्रेनेड तो मैंने नहीं किया। तब मैं समझ गया कि वहां पे जो बंदे उतरे थे वो बंदे हैं एक्चुअली में, और यहां पे जैसे ही आया वो रहा बंदा। रीच के कवर के कारण बच गए ये, लेकिन यहाँ पे ये फंस गया। क्या लेफ्ट राइट खेल रहा था भाई साहब ये बंदा एकदम फुल मजे में। तो फाइनली लिपोपका की यहाँ पे खत्म हो गई। अब मैं ना हॉट ड्रॉप पे कोई बंदे नहीं उतर रहे थे, तो ये लिपोपका था हमारे प्लेन पाथ का पहला, तो यहीं पे हम कूद गए और फाइनली वहाँ पे अच्छे खासे किल्स हो गए मेरे। उसके बाद आता है भाई प्लेन पाथ में प्रिजन, तो हम प्रिजन में आए और तभी ये बंदा भाई क्या ही खड़ा हुआ था। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ दूसरे बंदे के फुट्स आए मुझे, और ये बंदा भाई तब तक बिक्की के साइड एम कर रहा था और तब तक मैंने इसको दिया भर, और इसी के साथ भाई यहाँ की भी टीम हो गई खत्म। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं अपनी बढ़िया मैक्लेरन लेके, लेकिन पोचिंकी का एक दरवाजा नहीं खुला हुआ था। एक दरवाजा मतलब समझ सकते हो, एक दरवाजा। अब यहाँ पे सामने DP चला रहा था कोई, तो हमको लगा पहले बॉट है, लेकिन ये रियल बंदा निकला। और तभी भाई सुबह सुबह कौन से गत्ते के नशे करते हैं बंदे, मतलब उसके टीममेट को मैंने नॉक कर दिया, तो वो बंदा भाई उसी के साइड भागा जा रहा था भागा जा रहा था। अब ये बंदा टेलीपोर्ट हो रहा था, तो उसके कारण हो सकता है उसका नेट का कुछ इशू रहा हो, विक्की ने जैसा बोला। उसके बाद हम यहां पे आते हैं, हमारी गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है, और तभी
बूम गाइस, अब आप लोग को ये वाला कार का स्प्रे कैसा लगा कमेंट करके बताना। और भाई ये लोग गाड़ी देने ही तो आए थे, अगर ये वाला आप लोगों को अच्छा लगा तो रुको जरा सबर करो, अभी तो भाई मेन पार्टी बाकी है। अब वो वाला स्प्रे देखने के बाद ना आप लोग लिटरली अपनी आंखें मलने लगोगे, मतलब बोलोगे भाई ये क्या हो गया। अब हम वहां से निकल के यहाँ पे आते हैं, ड्रॉप के पास एक यूएजेड, दूसरी यूएजेड, हमने कहा भाई पक्का बंदे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें बंदे बिल्कुल भी स्पॉट नहीं हुए। और हमारी गाड़ी यहाँ पे भाई खत्म थी, तो सामने एक गाड़ी दिखी, तो मैंने सोचा चलो इसको ठोकते हैं, और फिर देखो क्या हुआ भाई, ये क्या क्या हो रहा है ये भाई गाड़ी गाड़ी के अंदर घुस गई भाई, वो गाड़ी सामने थी भाई, अचानक टेलीपोर्ट होगी यहाँ पे आ गई। तो यार इस गाड़ी के कारण हमारी गाड़ी निकल रही थी, तो मैं यहाँ पे आया पीछे की तरफ गाड़ी लेने, तो यहाँ पे अपनी यही थी ट्राई बाइसिकल। अब जैसे मैं यहाँ पे आया सामने की तरफ से हुआ फायर, एंड बूम गाइस, इसी के साथ भाई साहब ये वाला है, आपको कैसा लगा? कभी भी अगर आपको गाड़ी वाले बंदों को उतारना हो, हमेशा सबसे पहले ड्राइवर को गिरा दो, उसके बाद पूरी की पूरी टीम भाई हो जाती है बेजान। तो यहाँ पे थोड़ी सी भाई स्क्रीनशॉट वगैरह लिए थंबनेल के लिए, और पोज वोज दिए, ये देखो भाई एकदम परफेक्ट भाई। और ये वाला आउटफिट आप लोग को कैसा लग रहा है, ब्लड रेवन से ज्यादा अच्छा है या फिर ब्लड रेवन के कितना ही अच्छा है या फिर उससे कम अच्छा है, कमेंट करके बताना जरूर। साइबर मंकी आउटफिट नाम है इसका, और भाई बहुत ही जबरदस्त लग रहा है मुझे ब्लड रेवन के जैसे ही। तो हम उसके बाद यहाँ लूट लाट के निकलते हैं भाई, तभी यहाँ पे विक्की को एक कार 98 का या फिर M24 का भाई जबरदस्त शॉट पड़ता है। और यहाँ पे अब जो होने वाला है ना भाई, बहुत गलत सीन होने वाला है, बहुत ही ज्यादा गलत सीन। यहाँ मैं गाड़ी घुमा के लाता हूँ, लेकिन तब तक वो बंदे ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुके थे। अब ये ग्रेनेड देखो, भाई कैसे यार, वो ग्रेनेड क्लियरली आगे की तरफ गया था, लेकिन ये मेरे मुंह पे ग्रेनेड फट गया, मेरा ही ग्रेनेड। तो भाई यार किस्मत ही भाई खराब थी यार, नहीं तो ये बंदों को मार देता मैं। ग्रेनेड एकदम मुंह पे फट गया, जिससे मेरी भाई 30-40 HP हो गई, और पूरा देखा है आपने स्कोप वगैरह सब कुछ हिल गया, और बंदे ने बस हो गया दिया भर। तो आज के आप लोग को ये दोनों गेम प्ले कैसे लगे कमेंट करके बताना, आपका फेवरेट मूवमेंट कौन सा था ये भी कमेंट करके बताना, और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे कमाल के गेम प्ले देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सायोनारा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।